हेलो चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान की, और संविधान में सबसे पहला टॉपिक आज लेके चलते हैं संविधान सभा। तो सबसे पहले आज हम लोग संविधान के अंतर्गत पहला वीडियो जो डालने जा रहे हैं उसमें संविधान सभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संविधान सभा के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ना जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी चीज की आवश्यकता रहेगी, कौन सी चीज ज्यादा आवश्यक है उसको ज्यादा पढ़ा जाए, कौन सी कम आवश्यक है उसको कम। तो मेन मेन टॉपिक लेते हुए चलें, क्योंकि संविधान बहुत विस्तृत चीज है तो उसको पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जरूरी हैं, एग्जाम की दृष्टि से उनको जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की बात करते हैं। तो जब भारत अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए तैयार था तो वहां से एक कैबिनेट मिशन के नाम से एक पैनल भेजा गया इंग्लैंड से, और 3 सदस्यीय पैनल था। वो 3 सदस्यीय जो पैनल था उसमें 3 लोग शामिल थे, लॉर्ड पैथलिक लॉरेंस नंबर 1, लॉर्ड लॉर्ड पैथलिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन जो भेजा गया उसके अध्यक्ष थे। और दूसरे सदस्य थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे सदस्य थे डॉक्टर एवी अलेक्जेंडर। तो जो भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए जो टीम भेजी गई उसमें 3 सदस्य लॉर्ड पैथलिक लॉरेंस, इनको अध्यक्ष बना के भेजा गया, और सर स्टैनफोर्ड, और तीसरे थे डॉक्टर एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन में शामिल थे, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब ये कैबिनेट मिशन, इसका नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि ये तीनों सदस्य इंग्लैंड में कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस टीम को, इस मिशन को कैबिनेट मिशन नाम से भेजा गया। अब इसकी वैसे जो संविधान सभा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले संविधान सभा अमेरिका में बनी थी। सबसे पहली संविधान सभा अमेरिका में बनी थी 1787 ईस्वी में। तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 ईस्वी में आया, और इसके जो 3 सदस्य थे तीनों इंग्लैंड संसद में कैबिनेट मंत्री थे। जब भारत में ये आया तो यहाँ पे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, घूमा फिरा जानकारी की, उसके आधार पे इन्होंने संविधान सभा बनाने के लिए घोषणा की, और उसमें सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। 389 सदस्यों का जो ब्यौरा है वो इस प्रकार से रहा, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 1 यानी कि जो भारत का हिस्सा ब्रिटिश के गुलाम था या उनके अधीन था, इंग्लैंड के अधीन था, वहां से 292 सदस्य लिए गए। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए गए, और 93 यानी कि 93 सदस्य आपके देसी रियासतों से लिए गए। देसी रियासतों से
अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये हुआ कि जो ब्रिटिश भारत से सदस्य थे इनका चुनाव किया गया, निर्वाचन हुआ इनका। इनका निर्वाचन किया गया और चार जो कमीशन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे इनका भी निर्वाचन किया गया। लेकिन जो 93 देसी रियासतों से लिए गए, जो यहाँ पे छोटे छोटे भागों में बटे हुए क्षेत्र थे, उनके राजा महाराजा थे, उनके क्षेत्र थे, उनका निर्वाचन नहीं किया गया। उनको सीधे सीधे मनोनयन कर लिया गया। मनोनयन के द्वारा इनको ले लिया गया। अब इस प्रकार से यदि निर्वाचन की बात की जाए तो 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ और इनका निर्वाचन 10 लाख की 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया, एक सदस्य प्रति 10 लाख जनसंख्या। इस प्रकार से इनका निर्वाचन किया गया। तो इस प्रकार से 296 सदस्य निर्वाचित किए गए और 93 देशी रियासतों का मनोनयन किया गया। अब जो 296 सदस्य चुनकर आए, इनका जो बंटवारा था वो इस प्रकार था। नंबर एक, उस समय मुख्य रूप से दो पार्टियां थीं। नंबर एक कांग्रेस और नंबर दो मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली। इसके अतिरिक्त निर्दलीय 8 निर्दल चुने गए और छोटी छोटी पार्टियों द्वारा 7। तो 8 निर्दल रहे और 7 छोटी छोटी पार्टियों द्वारा। तो इस प्रकार से जो टोटल चयन किया गया, निर्वाचन किया गया, वो 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। जब 296 सदस्यों का निर्वाचन हो चुका तब इनकी बैठकों का प्रारंभ हुआ और पहली बैठक रखी गई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 की जब बैठक रखी गई तो इसमें जो सदस्य शामिल हुए वो सदस्य थे नौ दिसंबर की बैठक में 207 सदस्य शामिल हुए, जिसमें 9 महिलाएं उपस्थित रहीं। और मुस्लिम लीग तथा जो 93 यानी कि 73 मुस्लिम लीग के सदस्य और 93 सदस्य जो थे आपके देसी रियासतों के, इन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए। ये लोग 93 लोग असमंजस में रहे कि इसमें शामिल हुआ जाए संविधान सभा में या ना हुआ जाए, और 73 लोग अपनी भागीदारी को लेकर इसमें मुस्लिम लीग के लोग शामिल नहीं हुए। तो इन्होंने क्या किया, अपने अलग बंटवारे की, अपने दे अलग पाकिस्तान बंटवारे की मांग करना शुरू कर दिया। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें अस्थायी सदस्य चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। उस समय सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा को चुना गया। सबसे उस समय बुजुर्ग थे उन्हीं को अध्यक्ष चुन लिया गया और अस्थायी रहे। सबसे पहले अध्यक्ष इन्हीं को माना जाता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, जब संविधान से क्वेश्चन आता है तो ये अनक्लियर हो जाता है कभी कभी।
तो इसको ध्यान रखना है, अस्थायी सदस्य और पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में 11 दिसंबर को पुनः बैठक, जब 11 दिसंबर को बैठक की गई तो यहाँ पे अब स्थायी सदस्य चुन लिया गया, अध्याय स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 11 दिसंबर की जो महत्वपूर्ण बात रही बैठक की, वो यही रही कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, जो बिहार के गांधी कहलाते थे। अब इसके बाद में फिर से 13 दिसंबर 1946 को बैठक रखी गई, और उस 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बात रही वो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश, 13 दिसंबर 1946 को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन चूंकि सदस्य संख्या बहुत कम थी, इसलिए डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने, चूंकि जो 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे और 93 सदस्य थे आपके देशी रियासतों के, वो शामिल नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने इसको, प्रस्ताव तो पेश किया गया लेकिन इसको पारित नहीं होने दिया, उन्होंने मना किया और इसको पारित नहीं किया गया। इसीलिए फिर ये उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो पारित हुआ जाके वो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो पेश तो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन जो इसका प्रस्ताव पारित हुआ वो आपको 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अब संविधान बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष बनाया गया वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन केवी राव ने डॉक्टर साहब को भारतीय संविधान का जनक ही नहीं, जननी कहा, अर्थात माँ। तो माँ का पद सबसे बड़ा होता है अपने देश में, तो केवी राव ने उनको जननी का दर्जा दिया। अब चूंकि बात डॉक्टर अंबेडकर की हो रही है, तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले जो चुनाव लड़े थे वो मुंबई से लड़े थे संविधान सभा में जाने के लिए, लेकिन वहां से वो चुनाव हार गए थे। इतना महान व्यक्ति और वहां से चुनाव हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुस्लिम लीग ने उन्हें, मुस्लिम लीग ने उन्हें पूर्वी पश्चिम बंगाल से चुनाव जिताया, पूर्वी पश्चिम बंगाल से चुनाव जिताया, लेकिन पाकिस्तान की अलग मांग के कारण ये पूर्वी पश्चिम बंगाल ये पाकिस्तान के साथ चला गया, जिसका नाम आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भारत से अलग हो गए, जिस कारण अब डॉक्टर साहब अंबेडकर संविधान सभा से सीधे सीधे बाहर हो गए। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका नाम था वी एन राव, जिन्हें, जो संवैधानिक सलाहकार थे, जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक
तो बी आर राव जो संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान सभा की, उन्होंने कहा यदि भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर नहीं रहेंगे तो भारत का संविधान अच्छा बनना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा, चूंकि उस समय ये स्थायी अध्यक्ष थे तो उन्हें ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को कहीं ना कहीं से चुन करके संविधान सभा में लाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बी जी खेर से कहा, जो उस समय मुंबई के प्रधानमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री उस समय टुकड़ों में हुआ करते थे, क्योंकि छोटे छोटे भाग बटे हुए थे, तो उनसे कहा। तो उन्होंने जो वहां से एक विजयी प्रत्याशी थे एम आर जयकर, उनका इस्तीफा लिया, एम आर जयकर का इस्तीफा लिया और उनके स्थान पे डॉक्टर वी आर अंबेडकर को नियुक्त किया, वहां से चुनाव लड़ा के जिताकर लाया गया। तो फिर से वो उस प्रारूप समिति में शामिल हुए, तब जाके तब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और यहीं से संविधान सभा ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे संविधान सभा के वो ये हैं। अब संविधान सभा बन के तैयार हो गई और संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अब यहां से जो महत्वपूर्ण पॉइंट और क्वेश्चंस मैंने बनाने की जो कोशिश की इसमें हैं पर्याप्त, लेकिन फिर भी कुछ और पॉइंट हैं, जो जैसे चार कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी, तो उनको याद करना बहुत आसान, ए बी सी डी, बस इतना याद रखना है आपको। अब ए बी सी डी मैंने क्यों लिखा है तो इसको समझ लें। ए बी सी डी का मतलब है ए फॉर अजमेर, एक जो कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर था। बी फॉर बलूचिस्तान, जो आजकल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में चला गया है, वहां का भाग बन गया है बलूचिस्तान। और सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली, दिल्ली। तो ये चारों कमिश्नरी क्षेत्र थे। बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान में जो है हीरा मोती जवाहरात जो भी है खदान मेटल्स, इनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान का कार्य प्रारंभ हो गया। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लिंक बने रहे हमारे चैनल से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।